Pepcoding's YouTube channel. So आज की वीडियो में नो मैक्स नो मिन नाम पे क्वेश्चन करने वाले. ओके, सो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन. सो क्वेश्चन समथिंग ऐसा है कि आपके पास एक एरे दे रखा है 1, 2, 3, 4 लेट्स से, एंड आपके पास एक के वैल्यू गिवन है. लेट्स से के की वैल्यू 3 है भाई. सो आपको क्या करने को बोल रखा है, आपको ये बोल रखा है कि भाई इस एरे के सभी 3 लेंथ सबसीक्वेंसेस को लिखो. 3 लेंथ सबसीक्वेंसेस को लिखो. ओके, एंड उन सब सीक्वेंस में मिन एंड मैक्स वैल्यू को एक्सक्लूड कर दो. जितने बंदे रह गए उनका प्रोडक्ट लो, एंड ऐसा जितने भी सब सीक्वेंसेस है सभी के साथ प्रोडक्ट कर दो. फिर से नॉट नेसेसरली ये सॉर्टर हो, पहली बात तो. ओके, अब इसके सभी सब सीक्वेंसेस की अगर मैं बात करूं तो एक दो मैं लिखता हूं क्या वन. सो 3 लेंथ सब सीक्वेंसेस, नॉट सभी, 3 लेंथ सभी सब सीक्वेंसेस. फिर 1, 3, 2, देन 1, 4, 2, then 3, 4, 2, I guess ये चार बनेंगे. ओके, सो चार में से 3 चूज करने के 4 तरीके होते हैं. सो ये आपके पास 4 सब सीक्वेंसेस बनते हैं. अब इन 4 सब सीक्वेंसेस में आपको क्या करना है, सभी सब सीक्वेंसेस के मिन एंड मैक्स वैल्यू को एक्सक्लूड कर दो. जैसे इसके मिन और मैक्स को मैंने एक्सक्लूड करा, इसके मिन और मैक्स को एक्सक्लूड करा, इसके मिन और मैक्स को एक्सक्लूड करा, इसके मिन और मैक्स को एक्सक्लूड करा. अब जितने भी सब सीक्वेंसेस में नंबर है यहाँ सिर्फ एक रह रहा है, 3 साइज बना रहे हो, 2 को एक्सक्लूड कर रहे हो, एक बंदा रहेगा. बट अगर मल्टीपल रह जाते हैं देन उनका प्रोडक्ट, जैसे यहाँ 3 के साथ एक और बंदा होता देन उसका प्रोडक्ट करना था. एंड ऐसा लाइक यहाँ पे जितने भी नंबर रिमेनिंग है उन सभी का प्रोडक्ट, क्या 3 × 2 6 × 2 12 × 3 36, इसका 36 आंसर है. ओके, लेट्स से 4 लेंथ दे रखा होता और यहाँ पे 5 5 सभी में होता, लेट्स से, और 5 5 को आप इग्नोर कर दोगे. ओके, सो अगर लेट्स से अगर 2 है तो आप क्या करने वाले हो, इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर उनके प्रोडक्ट के साथ इसका इसका प्रोडक्ट, फिर इसका, मतलब मिन और मैक्स. एक सबसीक्वेंस है, मिन और मैक्स को एक्सक्लूड करने के बाद जितने भी नंबर रह जाते हैं उनका प्रोडक्ट, एंड ऐसे सभी सबसीक्वेंसेस के आपस में प्रोडक्ट. फाइनली उन सभी के प्रोडक्ट का मॉड 10^9+7 निकालने को बोल रखा है. राइट, सो लेट्स सी इसे हम कैसे कर सकते हैं. सो मैथ्स से बेसिकली नंबर थ्योरी के कॉन्सेप्ट, कुछ फॉर्मेट्स वगैरह यूज होंगे, और अदरवाइज सिंपल पीएनसी है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. ओके, सो हम क्या करने वाले हैं, जैसे हम 3 लेंथ के सब सीक्वेंस को चाहते हैं. ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक काउंटिंग करने वाले. कैसे काउंटिंग? सो उस काउंटिंग में हम ये पता करेंगे कि भाई ये बंदा कितने वैलिड सब सीक्वेंसेस में अकर होगा, कितनी इसकी वैलिड अकरेंस है. अब अकरेंस और वैलिड अकरेंस से मेरा सेंस क्या है, तो occurrence और valid occurrence. So occurrence is basically ये number कितने subsequence में आएगा. Valid occurrence meaning कितने subsequences में आ रहा है and minimum and maximum की तरह act नहीं करता. Like occurrence subsequence में but not as min or max. So एक बंदे के लिए 3 की कुछ x1 valid occurrence आई, 4 की कुछ x2 वैलिड अकरेंस आई, 1 की कुछ x3 आई, इसकी कुछ x4 आई, तो आपका आंसर पता क्या हो जाएगा, 1 को x3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, क्योंकि x3 सबसीक्वेंसेस में उसकी वैलिड अकरेंस है. वैलिड बोले तो मिन और मैक्स की तरह, लाइक मिड में कहीं है, मिन और मैक्स की तरह नहीं है. फिर 3 की क्योंकि x1 टाइम्स अकरेंस है, सो x1 वैलिड सबसीक्वेंस में वैलिड अकरेंस है उसकी, सो सभी के नाम की इसकी मल्टीप्लीकेशन होगी. सो 3 को x1 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसे मल्टीप्लाई करोगे. 4 को x2 टाइम्स, क्यों, क्योंकि x2 वैलिड सबसीक्वेंस, वैलिड अकरेंसेस है उसकी. ओके, सिमिलरली 2 को x4 टाइम्स. सो ये बेसिकली कुछ ऐसा हो जाएगा कि 1^x3 मल्टीप्लाइड बाय 3^x1 मल्टीप्लाइड बाय 4x2 मल्टीप्लाइड बाय 2x4. क्या कितनी वैलिड अकरेंसेस है, मिन और मैक्स की तरह एक्ट नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा So, उतनी बार आप मल्टीप्लाई कर जाओगे, क्योंकि हर जगह मल्टीप्लीकेशन है. राइट, सो ये आपका आंसर आ जाएगा. अब वैलिड अकरेंस निकालोगे कैसे, पॉइंट इज ये वैलिड अकरेंस, एक नंबर की वैलिड अकरेंस कैसे निकालोगे. सो हम निकालते हैं. सो उस वैलिड अकरेंस को निकालने के लिए मेरा क्लेम नंबर 1 सुनो. मेरा क्लेम नंबर 1 क्या है कि भाई आप जितने भी के लेंथ सब सीक्वेंस की बात कर रहे हो वो आप 1, 3, 4, 2 में करो, या फिर इस एरे को सॉर्ट करने के बाद करो, एक ही बात है. मैं कह रहा हूं इनके लिए जो आप आंसर निकालोगे एंड 1, 2, 3, 4 के लिए जो आंसर निकालोगे वो सेम होंगे, उनमें कुछ डिफरेंस नहीं होगा. आपने बोला कैसे, क्यों, ये सॉर्ट करने में पंगा क्या है, क्यों ऐसा फील होता है कि दिक्कत है. दिक्कत फील इस वजह से होता है यार, देखो मैं दिखाता हूँ आपको.
दिक्कत ये कभी कभी फील सी होती है क्या, जैसे यहाँ पे एक सब सीक्वेंस है 1 3 4 राइट, और ऐसे 1 3 4 मत देखो, 1 3 2 देखो, और यहाँ पे सब सीक्वेंस है 1 2 3। इस गिवन एरे में अगर आपने सॉल्व करा होता तो आप एक सबसीक्वेंस कंसीडर कर रहे थे 1 3 2, एंड 1 2 3 कभी भी निकल कर नहीं आता, 1 2 3 एज अ सबसीक्वेंस कभी भी नहीं आता। जबकि अगर आपने एरे को सॉर्ट कर दिया देन 1 2 3 आ रहा है, 1 3 2 नहीं आएगा राइट। सबसीक्वेंस में ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हो। सो इस एरे का सबसीक्वेंस 1 3 2 था, इस एरे में 1 3 2 नहीं आ सकता, लेकिन ये अलाउड नहीं होता सबसीक्वेंस में, आप रिवर्स नहीं आ सकते, ओके, आइदर सेलेक्ट रिजेक्ट, सो ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, ओके। सो 1 3 2 वैलिड वो आना चाहिए था, बट आपने जब सॉर्ट कर दिया तो 1 2 3 आ रहा है राइट। मैं कह रहा हूँ हाँ जी बिल्कुल सही बात मान गए कि आप ऑर्डर चेंज कर रहे हो, बट क्या ऑर्डर रियली मैटर करता है यहाँ पे? मुझे लगता है नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यार हमें क्या करना है, मिन और मैक्स को एक्सक्लूड करने के बाद जितने बंदे रहेंगे उन्हें मल्टीप्लाई करना है राइट। सो ऑर्डर 1 3 2 हो तब भी आप 1 एंड 3 को इग्नोर करोगे, ऑर्डर 1 2 3 हो तब भी आप 1 3 को इग्नोर करोगे, 2 2 सिर्फ रिमेनिंग रहेगा, ओके। सो जितने सब सीक्वेंसेस इसके बनेंगे उतने ही सब सीक्वेंसेस इसके भी बनेंगे, इसमें ऑर्डर चेंज होगा, चेंज पॉसिबली हो सकता है, बट क्वेश्चन में जैसे दे रखा है जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। हमें मिन और मैक्स को एक्सक्लूड करने के बाद रिमेनिंग बंदे मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे ये मैटर करेगा कि यार किस ऑर्डर में आपने सबसीक्वेंस निकाला है? सबसीक्वेंस मैटर करेगा, और इसके आप कोई से भी 3 नंबर के कॉम्बिनेशन बना रहे हो वो आप यहाँ भी बना पाओगे राइट, बट डिफरेंट ऑर्डर में बनाओगे एंड ऑर्डर मैटर नहीं करता, ओके। सो ऑर्डर क्योंकि मैटर नहीं करता तो हम एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। सो 1 3 4 2 को सॉल्व करने की जगह 1 2 3 4 को सॉल्व करेंगे। आप बोलोगे कि यार सॉर्टिंग करा क्यों, फायदा क्या इससे? तो मैं आपको दिखाता हूँ, अब मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्या सॉल्व करके दिखाऊंगा कि यार एक इंडेक्स, मैं आपको क्या सॉल्व करके दिखाऊंगा कि एक बंदा कितने वैलिड सबसीक्वेंस में, एक बंदे की वैलिड अकरेंस कितनी है। देखना मैं क्या करूंगा, टोटल अकरेंस निकालूंगा कि भाई इस 2 की टोटल अकरेंस कितनी है ये बता दो। टोटल अकरेंस पता है कितनी है? टोटल अकरेंस पता है कितनी है इस बंदे की? अगर आप देखोगे तो आप अगर 3 लेंथ सबसीक्वेंस बनाना चाहते हो देन उस सबसीक्वेंस में 2 को फिक्स कर दिया कि भाई इसकी अकरेंस तो पक्के से होनी होनी है। अब बचे हुए k-1 स्पॉट्स के लिए आपको रिमेनिंग n-1 बंदों में से पिक करना है। कितने तरीके से पिक कर सकते हो? सो n-1 ck-1 किसी भी नंबर की टोटल अकरेंस, टोटल कितने सबसीक्वेंस में वो अकर होगा, दैट इज n-1 ck-1। 2 को फिक्स कर दिया और बचे हुए में 2 बंदों में आप जितने रिमेनिंग है उनमें से किसी को भी पिक कर सकते हो राइट। तो n-1 ck-1 ये आपकी टोटल अकरेंस आ गई। ये टोटल अकरेंस की अगर मैं बात करूं, टोटल अगर की अगर मैं बात करूं, दैट इज नथिंग बट n-1 ck-1। अच्छा कितने में वैलिड की तरह एक्ट कर रहा है? तो टोटल में से इनवैलिड माइनस करोगे आप राइट। सो इनवैलिड कैसे माइनस करोगे? इनवैलिड कौन कौन से होते हैं उसमें? आइदर ये ith बंदा, आइदर ये ith बंदा मिनिमम की तरह एक्ट कर रहा हो या फिर मैक्सिमम की तरह एक्ट कर रहा हो। मिनिमम की तरह एक्ट कर रहा हो तब भी इनवैलिड, मैक्सिमम की तरह एक्ट कर रहा हो तब भी इनवैलिड। क्यों? मिन एंड मैक्स को हमेशा एक्सक्लूड कर देते हो। सो ये बंदा मिनिमम की तरह कितनी बार एक्ट करेगा? अगर इसे मिनिमम की तरह आपको एक्ट करवाना है देन 2 को आप सबसे स्टार्टिंग में फिक्स कर दोगे क्योंकि सॉर्टेड एरे है। जो बचे हुए k-1 स्पॉट्स है उनमें आप सिर्फ यहां से बंदों को पिक कर सकते हो। सो बचे हुए k-1 स्पॉट्स में आप सिर्फ यहां से बंदों को पिक कर सकते हो, 2 से ग्रेटर वाले बंदों को पिक कर सकते हो राइट। सो क्योंकि 2 से ग्रेटर वाले बंदों को आप सिर्फ पिक कर सकते हो तो कितने तरीके होंगे, कितने बंदे रिमेनिंग है ये निकालोगे आप। सो पता है कितने बंदे रिमेनिंग है? ये बंदा n-1 होता है, ऑफकोर्स 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होगी, 1 बेस्ड नहीं होगी। सो ये 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है। सो ये बंदा n-1 होता है, n-1 में i को माइनस कर दो, इतने बंदे रिमेनिंग है उसमें से k-1 बंदे पिक करने, इतने सबसीक्वेंस में 2 मिनिमम की तरह एक्ट करेगा। बेसिकली इन्हें फिल करने के लिए मैंने सिर्फ ग्रेटर बंदों को यूज करा। सो मिन की तरह एक ith बंदा कितने सबसीक्वेंस में आएगा? n-1 i, उसमें से k-1, लाइक इतने बंदों में से k-1 कितने तरीके से पिक कर सकते हो राइट। अच्छा मैक्स की तरह अगर 2 को अकर होना है, अगर 2 को मैक्स की तरह अकर होना है तो 2 ग्रेटेस्ट बंदा है, हमें इतने में से क्या पिक करने की जरूरत है? इन बंदों में 2 से स्मॉलर बंदे सिर्फ प्लेस करने हैं, 2 से स्मॉलर बंदे, दैट इज मैक्स की तरह पता है कितने तरीके से एक्ट होंगे। इससे स्मॉलर बंदे कितने हैं? अगर आप i 1 पे हो, अगर आपका i 1 पे है देन
इससे पहले एक बंदा है, i में से क्या पिक कर लो, i से क्या पिक कर लो, k माइनस वन। नहीं, i की वैल्यू अगर वन है देन आपसे छोटा एक बंदा है, अगर आप जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग की बात कर रहे हो तो, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग की बात कर रहे हो, अगर आप i पे हो आपसे पहले एक बंदा है, राइट। अच्छा ये n माइनस वन माइनस i मैंने सही लिखा है, n माइनस n इज फोर, फोर माइनस वन इज थ्री, थ्री में से वन माइनस करोगे देन टू, सो दो बंदे हैं, हाँ जी सही लिखा है, ठीक है, उसमें से माइनस वन। ऑलराइट, सो मैक्स की तरह कितने एक्ट करता है। अब वैलिड अकरेंस कितनी हो गई, एक गिवन आई एक बंदे की वैलिड अकरेंस पता कितनी होती है, n माइनस वन सी के माइनस वन माइनस ऑफ n माइनस वन माइनस आई सी के माइनस वन माइनस ऑफ आई सी के माइनस वन। ओके, सो ये एक आईएथ बंदे की वैलिड अकरेंस है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आप ऐसे सभी आईएथ के लिए निकालोगे, राइट, एंड आप ऐसा करोगे क्या, एरे ऑफ आई रेज टू द पावर ये वैलिड अकरेंस, ये बनता। ओके, सो अब इसका मॉड इन सभी का प्रोडक्ट फॉर ऑल आई, लाइक फॉर वैलिड ऑफ आई फॉर ऑल आई, आई इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन। सो अब इसमें इसका प्रोडक्ट, नॉट सम प्रोडक्ट, नॉट सम प्रोडक्ट चाहिए हमें, आई इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन। ओके, सो इनका मॉड 10 की पावर 9 प्लस 7 भी चाहिए यार, ये आपको ध्यान रखना होगा, सिर्फ ये नहीं चाहिए, इनका प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मॉड 10 की पावर 9 प्लस 7 भी चाहिए। तो आप जब भी माइनस कर रहे हो प्लस कर रहे हो उस समय आप मॉड हैंडल करोगे। यहाँ पे एक और बात का ध्यान रखो, यहाँ पे ये पावर में बंदे हैं, जब आपको याद होगा a रेज टू द पावर b मॉड 10 की पावर 9 प्लस 7 कर रहे हो, और b की वैल्यू बहुत ज्यादा हो सकती है, ऑफ कोर्स b की वैल्यू बहुत ज्यादा हो सकती है, देखो ये आप कैलकुलेट करने वाले हो, क्योंकि b की वैल्यू बहुत ज्यादा हो सकती है, n c के ही बहुत ग्रेटर वैल्यू पॉसिबल है, n 10 की पावर 5 के अराउंड अलाउड है। ओके, सो a रेज टू द पावर b मॉड 10 की पावर 9 प्लस 7 में अगर b की वैल्यू बहुत ग्रेटर होती है तो आपको याद होगा हम b मॉड 10 की पावर 9 प्लस 6 करते हैं इंस्टेड ऑफ 10 की पावर 9 प्लस 7। फॉर्मेट स्लिटिंग थ्योरम में मैंने ये प्रूव करा था, फिर मॉड लेते टाइम मैंने डायरेक्टली बता दिया था, जब मॉड 10 की पावर 9 प्लस 7 डिस्कस कर रहे थे तो डायरेक्टली बता दिया था, एंड फॉर्मेट स्लिटिंग थ्योरम जब मैं बता रहा था उस टाइम मैंने प्रूव भी कर दिया था कि हाँ यार कैसे फॉर्मेट स्लिटिंग थ्योरम के थ्रू ये प्रूव होता है कि 10 की पावर 9 प्लस 6 से मॉड लोगे वो वैलिड है। ओके, सो जब मैं एनसीआर वगैरह कैलकुलेट कर रहा तो क्योंकि ये पावर में जाने वाला है, क्योंकि ये पावर में जाने वाला है तो इनका मॉड 10 की पावर 9 प्लस 6 होगा, नॉट 10 की पावर 9 प्लस 7। ये कितने बंदे, एक आईएथ बंदा कितने वैलिड अकरेंस, कितने वैलिड अकरेंस है एक आईएथ बंदे की, उस टाइम मॉड 10 की पावर 9 प्लस 6 करोगे आप इंस्टेड ऑफ 10 की पावर 9 प्लस 7, क्यों, क्योंकि वो बंदा पावर में जाने वाला है, राइट। एंड जब आप सभी आई के लिए इसकी वैलिड अकरेंसेस ढूंढ लोगे देन मॉड 10 की पावर 9 प्लस 6 के साथ, देन आप जब कैलकुलेट कर रहे होगे पावर, जब कैलकुलेट कर रहे होगे कि एरे ऑफ आई और वैलिड ऑफ आई का मॉड 10 की पावर 9 प्लस 6, फिर इन्हें कैलकुलेट करते टाइम 10 की पावर 9 प्लस 7 से ढूंढ लोगे, ओके, एंड सो ऑन। ओके, सो लेट्स सी, सो लेट्स सी क्या इसे कैसे करने वाले, अब मेजरली कोड ही रह गया, मेजरली कोड ही रह गया, सो जल्दी से हम इसे इसका कोड करते हैं फिर बात बन जाएगी। ओके, सो ये रहा, तो इसमें मैंने कुछ कुछ चीजें पहले से ही बना रखी है जो आपको इसकी जिनकी वीडियोस पहले से आ चुकी है, जैसे एनसीआर निकालने की बात करूं मैं, सो एनसीआर निकालने के लिए मैंने पहले से फंक्शन लिख रखा है, वो मैंने सिखा भी रखा है आपको, फिर एक्सपोनेंट की बात करूं, फास्ट एक्सपोनेंशिएशन वो भी सिखा रखा है। एक बात का ध्यान रखना, फास्ट एक्सपोनेंशिएशन में मैंने 10 की पावर 9 प्लस 7 से मॉड ले रखा है, बट जब मैं NCR कॉल कर रहा हूँ इसमें P में मैं 10 की पावर 9 प्लस 6 पास करूंगा। ओके, 10 की पावर 9 प्लस 6 क्यों, क्योंकि ये बंदा पावर में जाने वाला है, और a रेज टू पावर b मॉड 10 की पावर 9 प्लस 7 इज इक्वल टू a रेज टू पावर b मॉड 10 की पावर 9 प्लस 6 का होल मॉड 10 की पावर 9 प्लस 7। ओके, सो लेट्स सी हम क्या करने वाले हैं, तो हमने एरे इनपुट ले लिया, एरे इनपुट लेने के बाद हमें सबसे पहला काम क्या करना है, सॉर्ट करना है। ओके, सो ये थर्ड फंक्शन देखो, ये थर्ड फंक्शन सॉर्ट का है, जब कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में अगर आप जावा में कर रहे हो तो कभी भी एरेज डॉट सॉर्ट यूज मत करना, एरेज डॉट सॉर्ट क्यों यूज मत करना, क्योंकि वो पिवटेड क्विक सॉर्ट जैसी कुछ चीजें यूज करता है इंटरनली, जिसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर होती है। ओके, सो अगर आपने वर्स्ट केस एरेज डॉट सॉर्ट यूज करा देन हमेशा ही आपका कोड फेल कर जाएगा, अगर एरे की लेंथ 10 की पावर 5 है देन। ओके, वैसे तो यहाँ पे 10 की पावर 5 नहीं है तो आप एरेज डॉट सॉर्ट भी यूज कर सकते हो, बट हैबिट बना लो यार, एरेज डॉट सॉर्ट यूज ना करो कभी भी आप। ओके, कभी भी यूज ना करो, एक सॉर्ट फंक्शन लिखो जिसमें एरे लिस्ट में कॉपी करा आपने
सभी एरे के बंदों को कलेक्शंस डॉट सॉर्ट करा, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट मर्ज सॉर्ट यूज करता है, सो वर्स्ट केस में भी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन होती है राइट, एंड फिर एरे में सॉर्ट करने के बाद लिस्ट के सभी बंदों को कॉपी करो एंड उस एरे को रिटर्न कर दो ओके, सो ये हैबिट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने एरेज डॉट सॉर्ट यूज करा देन कोई हैक कर जाएगा आपका सोल्यूशन राइट, सो ये रहा एरे में मैंने सॉर्ट पास कर दिया, वैसे तो इंट रिटर्न करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली सॉर्ट करोगे देन सेम एड्रेस पे चेंज होगा, बट ठीक है कोई नहीं कोई नहीं ओके। फिर मैं क्या करने वाला हूँ, अब यहाँ पे हमने सॉर्टिंग कर ली, सॉर्टिंग करने के बाद हम वैलिड अकरेंसेस निकालने वाले हैं, वैलिड अकरेंसेस को निकालने वाले हैं, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ एनसीआर मेरे पास निकल कर आ जाए, सो ये रहा मेरे पास एनसीआर, एनसीआर मैं इसके लिए क्या करूँगा, मेरे पास फंक्शन ऑलरेडी है एनसीआर कॉल, इसे मिनिमाइज कर दो, एनसीआर कॉल जिसमें मैं पास करूंगा एन के नाम पे, एन के नाम पे क्या पास करूंगा, एन के नाम पे मुझे एन में से के बंदे मैक्सिमम चाहिए, तो ये देखो एन पास कर दो के पास कर दो मैक्सिमम यही तक लेकर जाओगे, वैसे तो आप इसके अपर लिमिट को पास कर सकते हो जैसे 5005 हमेशा पास कर सकते हो, पर ठीक है एन कॉमा के भी सफिशियंट है पास करना ओके। और यहाँ पे 10^9+6 इनफैक्ट मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ इंट मॉड -1 दैट इज 1 2 3 राइट, और एक मॉड बना लो That is 10^9+7 okay? So, यहाँ पे आप मैं क्या पास करूंगा मॉड -1 ऑलराइट, क्यों भाई पावर में जाने वाला, मुझे पता है ये बंदे पावर में जाने वाले हैं, सो इसलिए हमने कर दिया ओके। अब हमने ये कर लिया, उसके बाद एनसीआर हमने मंगवा लिया, अब हमारे पास क्या काम है, हमारे पास काम क्या है कैलकुलेट करने का, क्या कैलकुलेट कर दो क्या एक बंदे की आईएस बंदे की कितनी अकरेंस है, सो देखो सभी की परमानेंट अकरेंस फिक्स है राइट, इसे कोड करते टाइम हम कुछ कुछ स्मार्ट वर्क करेंगे, कुछ कुछ स्मार्ट वर्क हम क्या करने वाले वो देखना, सबसे पहले तो यार जीरो कभी भी सॉर्ट करने के बाद सॉर्टेड एरे का जीरो एक बंदा वो कभी भी आपको वैलिड अकर नहीं कर सकता, क्यों वो किसी भी सब सीक्वेंस में जाएगा वो मिनिमम होगा, उससे छोटा बंदा कोई है ही नहीं, सिमिलरली लास्ट बंदा हमेशा मैक्सिमम की तरह एक्ट करेगा, क्यों क्योंकि इससे ग्रेटर कोई बंदा ही नहीं है राइट, तो इन दोनों के वैलिड अकरेंसेस को काउंट करने की जरूरत नहीं है, ये एक बार भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसकी वैलिड अकरेंस जीरो होगी ओके, सो इसकी अकरेंसेस से हमें मतलब नहीं है, हमें मिड वाले बंदों से मतलब है सिर्फ राइट, अब मिड के आईएस बंदे की टोटल अकरेंस चाहिए, जितने भी बंदे उनकी एक तो परमानेंट है यार, लाइक टोटल नंबर ऑफ अकरेंस फिक्स है दैट इज -1 सी के -1 इनवैलिड आई डिपेंडेंट है राइट, सो हम टोटल यहां पे निकाल लेते हैं, ये देखो लॉन्ग टोटल, लॉन्ग की वैसे जरूरत नहीं थी बट ठीक है, लॉन्ग टोटल इज इक्वल टू एनसीआर ऑफ एन -1 एंड के -1 एटीएम एंड टोटल निकाल लिया, अब मैं सभी आई डिपेंडेंट, अब सभी की इनवैलिड चीजें निकालूंगा, तो ये देखो आई इक्वल टू 1 I smaller than equal to n by 2 तक जाना sufficient है, अब आप बोलोगे n by 2 तक जाना sufficient क्यों है, वो दिखाता हूँ मैं आपको, यार ये ना symmetry जैसी चीजें है, यार 2 की जितनी invalid occurrence है उतनी ही 3 की होगी, मतलब second बंदे की जितनी invalid occurrence है उतनी ही second last की होगी, अब आप बोलोगे क्यों, तो यार देखो 2 जितने बंदों में min की तरह act करेगा, जितने सबसीक्वेंस में मिन की तरह एक्ट करेगा एग्जैक्टली उतने ही सबसीक्वेंस में 3 मैक्स की तरह एक्ट कर रहा होगा, फिर ऑपोजिट बोल दिया मैंने, 2 जितने सबसीक्वेंसेस में मैक्स की तरह एक्ट कर रहा है, मीनिंग 2 से पहले पहले वाले बंदों को यूज करके बना रहा है, एग्जैक्टली उतने ही सबसीक्वेंसेस में 3 मिन की तरह एक्ट करेगा, एंड अदर वे अराउंड 2 जिसमें मैक्स की तरह एक्ट कर रहा है वो इक्वल होगा 3 के मिन का, एंड 2 जितनों में मिन की तरह एक्ट करेगा उतने में 3 मैक्स की तरह, क्योंकि 2 मिन की तरह अगर एक्ट कर रहा है वो इसे यूज करेगा 2 बंदे, 3 मैक्स की तरह अगर एक्ट कर रहा है वो इन्हें यूज करेंगे 2 बंदे ओके, सो सिमेट्री जैसी सीन है, सिमेट्री जैसी सीन है, सो आप अगर स्टार्टिंग के बंदे का आईएस बंदे का निकाल रहे हो तो मिड तक निकाल लो, और अगर आप फर्स्ट इंडेक्स का निकाल रहे हो देन एंड से एक बाद वाले बंदे की काउंटिंग वही हो जाएगी जो इसकी होगी, फिर नेक्स्ट का अगर आप निकालोगे तो उससे एक पीछे वाले की वही हो जाएगी, फिर नेक्स्ट का निकालोगे उससे एक पीछे वाले की वही हो जाएगी ओके, तो हम क्या करने वाले एन बाई टू तक ही जाने वाले और हम काउंटिंग करने वाले ओके, तो एक काउंट एरे में रख लेता हूँ,
लाइट ऑन लाइट. सो एक काउंट एरे में बना लेता हूँ, ये ना मेरा लॉन्ग बंडी काउंट एरे, दैट इज न्यू लॉन्ग, इसकी एन लेंथ है, राइट. सो काउंट एरे मैंने बना लिया, अब सभी की काउंटिंग करने वाला हूँ. सो आई इक्वल टू वन है, तो आई इक्वल टू वन मिन की तरह कितनी बार एक्ट करेगा हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं. सो ये दो लॉन्ग मिन हमने लिया जो कि इनिशियली हमने जीरो माना, और मैक्स की तरह कितनी बार एक्ट करेगा, मिन काउंट और मैक्स काउंट लेट से, मैक्स काउंट लेट से, राइट. सो अब मिन काउंट की तरह आइए बंदा एक्ट करना चाहता है. ओके, सो लेट से पहले मैक्स काउंट के बारे में सोचते हैं कि एक बंदा मैक्सिमम की तरह कितने बार एक्ट करेगा. सो मैक्सिमम की तरह ये कितनी बार एक्ट कर सकता है, सो मैक इसे फिक्स कर लिया, और इससे पहले वाले बंदे को हम सिर्फ यूज करेंगे. सो इससे पहले वाले आई बंदे होते हैं, आई में से आपको के माइनस वन बंदे पिक करने होंगे, राइट. तो इसमें आपको एक चेक लगाना होगा कि भाई अगर आई ग्रेटर देन इक्वल टू के माइनस वन है तभी तो आई में से के माइनस वन बंदे आप पिक कर पाओगे, अदरवाइज पिक ही नहीं कर पाओगे. ओके, तो मैक्स काउंट आपका हो जाएगा भाई एनसीआर एनसीआर एनसीआर, उसमें आई से के माइनस वन बंदे को पिक कर दो. सो आई से के माइनस वन. ओके ओके, अब एक मिन की तरह कितनी बार एक्ट कर रहा है. सो मिन की तरह एक्ट कर रहा है, अगर मिन की तरह एक्ट कर रहा है तो ये बंदा स्मॉलर है, सिर्फ बाद वाले बंदों को यूज कर सकते हो, दैट इज एन माइनस वन माइनस आई सी के माइनस वन. इसमें भी आपको चेक करना होगा कि भाई एन माइनस वन माइनस आई शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू के माइनस वन, तभी तो इतने में से के माइनस वन पिक कर पाओगे, अदरवाइज पिक ही नहीं कर सकते आप, राइट. सो मिन काउंट इज इक्वल टू एरे ऑफ एन नॉट एरे ऑफ एनसीआर ऑफ एन माइनस आई माइनस वन के माइनस वन. ओके, सो ये मैंने काउंट कर लिया. अब इसे आप प्लेस कर दोगे किसे, अब इसे आप यहां से आप टोटल निकालोगे. सबसे पहले वैलिड, ये आपकी थी इनवैलिड, टोटल ये रही, तो वैलिड निकालोगे. वैलिड कैसे निकालोगे ये देखना. सो वैलिड अकरेंस निकालने वाला हूँ मैं. सो वैलिड पता कैसे निकालने वाला हूँ, सिंपली टोटल से माइनस करूंगा मिन काउंट. ओके, सो माइनस कर रहा हूँ क्योंकि तो मुझे हैंडल करना होगा मॉड. अब मॉड में कौन सा लेने वाला हूँ, मॉड में कौन सा लेने वाला हूँ, क्योंकि ये पावर की बात हो रही है. अब तक हम वैलिड अकरेंस निकाल रहे हैं एनसीआर को यूज करते हुए, बेसिकली इसे ही माइनस प्लस कर रहे हैं, ये सब कुछ पावर में जाने वाला है. तो अभी तक हम मॉड 10 की पावर 9 प्लस 6 यूज करेंगे. ओके, सो पहले मैंने टोटल से मिन काउंट माइनस करा. कैसे माइनस करते हैं, टोटल माइनस मिन काउंट प्लस एम वन का होल मॉड एम वन. देन अगेन एक और, क्या वैलिड इज इक्वल टू वैलिड माइनस मैक्स काउंट प्लस एम वन मॉड एम वन. ओके, इफ लगाकर भी चेक कर सकते हो आप, क्या वैलिड माइनस मैक्स काउंट अगर नेगेटिव है देन प्लस से मॉड करने के बाद प्लस एम वन कर दो, और ऐसे भी कर सकते हो, दोनों ही वैलिड है. ओके, अब इसे प्लेस कर दो. इसे मैं कहाँ प्लेस करूंगा, सो काउंट ऑफ आई की एक अकरेंस निकल कर आ रखी है, सो काउंट ऑफ आई में इस वैल्यू को आप प्लेस करोगे, एंड एग्जैक्टली इतनी पीछे से आएंगी बंदे. सो आईएथ बंदा लेट से फर्स्ट बंदा है, तो स्टार्टिंग भी एक बंदे क्रॉस कर चुके हैं. तो ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ. सो एन माइनस वन, दैट इज आप लास्ट इंडेक्स पे चले गए, और पीछे से एक का जंप लगाना है तो माइनस आई, इस पे भी वैलिड. सो आईएथ बंदा स्टार्टिंग से बेसिकली ये जीरो से आईएथ बंदा, जीरो प्लस आई, और ये एंड से आईएथ बंदा, सो एन माइनस वन माइनस आई, दोनों की सेम होगी वैलिड रेफरेंस. ओके, सो ये आपने काउंटिंग कर ली. अब अगर आपने काउंटिंग कर ली, अब आपको कुछ नहीं करना. अब देखो आपको कुछ, अब सिर्फ क्या करना है, जब आई इक्वल टू वन से स्टार्ट कर दो, आई स्मॉलर देन एन माइनस वन चले जाओ, सेकंड लास्ट बंदे तक चले जाओ, आई प्लस प्लस, सभी की वैलिड अकरेंस आपने काउंट एरे में स्टोर कर रखी है. अब पावर निकालते रहना आपको, और कुछ नहीं करना. तो ये देखना लॉन्ग पाउ, पाउ कैसे निकालोगे, आपके पास एक्स पाउ फंक्शन आपके पास है, सो एक्स पाउ एन इसे कॉल कर दो, इसे कॉल कर दो, इसमें एरे ऑफ आई रख देना, एरे ऑफ आई क्यों, उसकी पावर आप निकालने वाले, उसकी पावर काउंट ऑफ आई, यार कितनी वैलिड अकरेंस है, जैसे एरे ऑफ आई कि अगर 10 वैलिड अकरेंस है तो उसकी पावर 10 आपको निकालने की जरूरत है, राइट. सो ये आपने पावर रख दिया. अब आपको इसमें इसे आंसर में मल्टीप्लाई करना है, ये रहा आपका आंसर. लॉन्ग आंसर इज इक्वल टू वन, आंसर इज इक्वल टू आंसर इनटू पावर, ऑफ कोर्स इसका मॉड आप लोगे, बट इसका मॉड 10 की पावर 9 प्लस 7 लोगे. ओके, सो बेसिकली
जब तक हम क्या कर रहे थे, जब तक हम ये सारी चीजें कैलकुलेट करते रहे थे जो कि हमें पता है कि यार पावर में जाने को है, देन इनके टाइम हमने मॉड 10 के पावर 9 प्लस 6 यूज करा, जैसे ही हमने इसे एरे में रख लिया, अब जब हम एरे ऑफ आई 2 रेज़ टू पावर समथिंग कर रहे हैं क्योंकि इसका मॉड 10 के पावर 9 प्लस 6 ऑलरेडी हो रखा है, अब पावर सिंपली ले रहे हैं तो 10 के पावर 9 प्लस 7 के साथ मॉड कर देंगे, राइट? सो एक्सपोनेंट में भी 10 के पावर 9 प्लस 7 है एंड हम यहां पे खुद भी 10 के पावर 9 प्लस 7 यूज कर रहे हैं जब हम आंसर को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? अब इसे प्रिंट कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन आंसर, ऑलराइट? सो आई होप गलती ना हुई हो. Let's see. Okay, of course, भैया long return करा गया है. Okay, so long return करा गया है और मैंने यहाँ पे int में receive करा. एक काम करो, इसे void कर दो यार. ये मेरी तो जा रहा है. Long array मैंने बना रखा है. अच्छा, और यहाँ पे int में receive कर रखा है. Okay. इसे लॉन्ग कर दो और इसे भी लॉन्ग, और कुछ यहाँ पे इंटीजर नहीं, यहाँ पे लॉन्ग चाहिए होगी फिर वैल्यू लॉन्ग लॉन्ग चाहिए और कहीं पे यूज नहीं कर रखा. ओके, लक्सी और भी कुछ है क्या? टोटल माइनस मिन काउंट फाइंड सिंबल कौन सा? एम वन यूज, अच्छा एम वन नहीं है वहाँ पे, मॉड एम वन है, मैंने एम और एम वन यूज कर दिया हर जगह. ये मैंने इंपोर्ट नहीं कर रखा है, इंपोर्ट कर दिया मैंने, किसी किसी इंपोर्ट नहीं कर रखा था array list और collection stop sort को. ओके, ये हो गया एक्सेप्ट, इसे कर देते हैं सबमिट जल्दी से. ओके, तो ये था, इसमें काफी सारी बेसिकली मॉड, देखो सिंपल पीएनसी है एंड मॉड हैंडल करना इंपॉर्टेंट है, इसमें सभी तरीके के मॉड हैंडल करने को दे रखा है except for division of course, उसके अलावा सभी तरीके के mod को आपने handle कर लिया. कैसे? power को handle कर लिया, minus को handle करा, power को कहाँ handle करा? ncr calculate करते time, minus करते time, okay, minus करते time handle करा, फिर power like a raised to the power b में b को handle करना भी सीखा और a को handle करना भी सीखा, जब array of i raised to the power count of i calculate कर रहे, then a को handle कर रहे, क्या multiply होगा greater ना हो जाए, right? फिर ये दोनों, ये तीन चीजें हमने सीखी बेसिकली, मल्टीप्लाई करते टाइम भी हमने पावर हैंडल करना सीखा, ये रहा. ओके, सो मॉड मॉड का फंडा था यार बेसिकली इसमें. ओके, ऑलराइट, मिलते हैं यार फिर नेक्स्ट वीडियो में. ओके, बाय.